हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो दोपहर के हैं 12 बज चुके हैं, 10 मिनट रहते हैं 12 बजने को, और मैंने जो है लंच का करनी है तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। सिंपल सी सब्जी है मगर टेस्टी होगी, आप भी मेरे साथ बनिए रहना। तो करते हैं तैयारी, पहले हम उसको जो है साफ़ कर लेते हैं मेथी को। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने किया है उनका ढेर सारा धन्यवाद, जो करेंगे उनका भी, जो नहीं करेंगे उनका भी, इसमें हमारा क्या जाता है भाई, हम धन्यवाद करते रहेंगे सभी का। चलिए करते हैं अपना काम, बनाते हैं लंच, और लंच का रूटीन दिखाती हूँ मैं। तो चलिए, हम जो है मेथी ले आए हैं, ये है मेथी, बड़ी कोमल कोमल सी मेथी है। इसको हम जो है साफ़ कर लेंगे और फिर बनाते हैं सब्जी। और हम बाहर बैठे हैं, पता नहीं कैसी वीडियो बनेगी। मैं और मम्मी बैठे हैं बाहर, और बैठे हैं मेरे पास। तो चलिए, ये सेट नहीं हो रहा भी। तो चलिए कर लेते हैं मेथी को साफ़। और मेथी है जो आसान नहीं है बनानी लेडीज़ के लिए। तो पहले जो है जॉइंट फैमिली होती थी, एक लेडी कोई और काम कर लेती थी, दूसरी कोई कुछ और काम कर लेती थी। मगर आजकल है जो सेपरेट हो जाते हैं लोग, अलग अलग रहने लग जाते हैं, और उसके जो है नुकसान काफ़ी हैं, फ़ायदे कम हैं। तो मैं देखिए, ये जो है मेथी है इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ ये लगाई होती है उसमें घास वगैरह भी हो जाता है, तो इसीलिए जो है मैं इसमें से अलग इसको छांट कर और इसकी जो मोटी डंडियाँ ना उसको काट लूँगी। कई लोग क्या होता है सिर्फ पत्ती की बनाती, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं ना उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये देखने में ज़्यादा लगती है, जब बनाते हैं फिर बहुत कम रह जाती है। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए, इसको आधा घंटा तो लग गया मुझे ना साफ़ करते करते। खैर, खाना है तो बनाना पड़ेगा अच्छे से, और साफ़ सुथरी चीज़ ही देनी चाहिए सभी को। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसकी जो बहुत ना ये नाजुक सी है मेथी, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इसकी डंडियाँ जो मेरी सब्ज़ी में काम आएंगी वो मैं रहने दूँगी, और मोटी मोटी मैं साथ ही छांट लूँगी। और इसको ऐसे ही मैं जो है धो लूँगी, धोने के बाद फिर मैं काट लूँगी, और फिर इसको हम गर्म पानी में से निकाल लेंगे, जिससे इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है और बच्चे भी अच्छे स्वाद से खा लेते हैं। इसी तरह मैं सारी मेथी साफ़ कर लूँगी। और जो इन औरतें हैं उनका काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, और आजकल जो है दिन भी बड़े छोटे हो चुके हैं। सर्दियों में हरी सब्जियां तो खानी चाहिए सभी को, और बच्चे हैं जो कम ही खाते हैं हरी सब्जियां, तो उसे अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है। ये मैंने रख दिया गर्म पानी। तो गर्म पानी में जो है मैं मेथी मैंने काट ली थी, बिल्कुल साफ़ है ये मेथी, फिर भी मैं जो है गुनगुने गर्म पानी से इसको निकाल दूंगी। इसको पकाऊंगी नहीं, इसमें सिर्फ 2-3 मिनट रखूंगी, जिससे इसका कड़वापन निकल जाएगा, और फिर मैं इसे अच्छे से निचोड़ लूंगी। और ये सब्जी में जो है कड़वापन नहीं आता है, बच्चे नहीं खाते, मगर मुझे जो इसकी मेथी की कड़वाहट होती है ना थोड़ी थोड़ी, वो अच्छी लगती है। तो देखिए हो चुकी है, अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी। और चीज़ को उबालने से है जो वैसे भी वो और अच्छी हो जाती है। तो कढ़ाई मेरी हो गई है साफ़, और ये तेल मेरे को मेरे से ना थोड़ा ज़्यादा पड़ गया इसमें, तो मैंने वो निकाल लिया है। और इस छन्नी में मैं ये मेथी निकाल लूँगी और इसे निचोड़ लूँगी। तेल गर्म होने पे मैंने डाल दिया है मेथी दाना, ज़ीरा डाल दिया है साथ में, अदरक लहसुन ये मैंने डाल दिया है। और इस मेथी में मैं प्याज नहीं डालूँगी, हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, और इस मेथी में जो है प्याज नहीं डालूँगी, बिना प्याज के बनाऊँगी। आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं, ऐसे भी अच्छी लगती है। इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है सूखी वाली, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च और तेज़पत्ता। ये सिर्फ खुशबू और टेस्ट के लिए होता है इसमें, और अच्छी बनती है, इससे बना के देखिएगा अच्छी बनेगी। तो ये भुन चुका है मेरा मसाला, अब इसमें है जो मैं आलू ना जो मेरे पास है वह आलू डाल दूँगी, ऐड कर लूँगी इसमें। आलू को पहले हम जैसे भूनते हैं ना थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेंगे, और इसे ढक के पकाएंगे, और आलू जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर इसमें हम और बाद में मेथी डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं, नमक डालने से क्या आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे।
और थोड़ी सी डाल दूंगी हल्दी। तो इसी तरह हम इसे पका लेंगे और ढक दूंगी मैं इसे। और बाकी मसाले जो गरम मसाला है या जीरा पाउडर है वो मैं बाद में डाल दूंगी। तो ये मेथी है, वैसे तो जैसे आलू की सब्ज़ी है उसमें मेथी वगैरह पड़ती है, आजकल हम जो है हरी जो मेथी है इसको भी तड़के में डाल सकते हैं, काफ़ी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने जो है मेथी को निचोड़ लूँगी, ठंडी हो गई थी ना पहले, बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसे निचोड़ के मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में। देखिए कितनी सारी थी और अब थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि ये देखिए बड़ी सॉफ्ट होती है तो ये थोड़ी बची है। तो थोड़े से बर्तन है मैं साथ साथ वो धो लूँगी, और ये साफ़ सुथरे बर्तन थे, बस इन पे जो है पत्ते वगैरह चिपके थे वो मैंने कर दिए। साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा किचन का काम हो जाता है। तो ये मेरे आलू जब तक हो गए हैं सॉफ्ट, कर लेते हैं चेक इसको, आलू हो चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मेथी, देख कितनी थोड़ी सी मेथी है, मगर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इस तरह बनाओ आप। इसे और तरीका भी है बनाने का, तो किसी दिन बाद में शेयर करूँगी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो कई तो इसको काट के वैसे ही डाल देते हैं, तो वो उनकी इच्छा है, वो वैसे भी बना सकते हैं, मगर बच्चे ना जो कड़वी मेथी नहीं खाते, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और सिंपल सी रेसिपी जो घरेलू होती है खाने, वही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, आपको पता ही है। तो अब इसमें थोड़ा सा जाएगा अमचूर, अमचूर से जो है हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी काफ़ी चटपटी और टेस्टी बन जाएगी। ये अमचूर ज़्यादा तीखा नहीं है, तो ये हमारी जो है मेथी की सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। बस सिर्फ़ 1 या 2 मिनट इसको मैं पका लूँगी और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। वो टेस्टी बनी है मैंने चख ली है, मैं चख लेती हूँ साथ साथ मैं, क्योंकि मुझे ही देखना होता है, फिर बाद में मुझे टाइम लगे ना लगे। ये मैंने थोड़ी सी इसमें फ्रेश मलाई डाल दी है, इससे भी जो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी होगी तैयार। वीडियो रहता है फास्ट, क्योंकि फास्ट ना करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा। ये सब्ज़ी का ऐसा कलर है, और इसका कलर ज़्यादा ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगता है, और आलू इतने, मेथी और आलू की इतनी टेस्टी सब्जी बनी है। प्लीज़ आप भी ऐसे ट्राई करना, और बहुत टेस्टी बनती है। और थोड़ा सा अमचूर डालने से जो है इसका थोड़ा भी कड़वापन होता है वो निकल जाता है। वैसे तो इसका जो थोड़ा सा कड़वापन है वो टेस्टी लगता है मुझे, तो फिर भी मैंने थोड़ा बच्चों के लिए अमचूर डाल दिया है। और खा लेती हूँ रोटियाँ, कैसी लगी आपको ये बताना ज़रूर। तो बन चुकी है रोटी, तो मम्मी जी बार बार आ रहे हैं किचन में खाने के लिए, तो रोटी तो चलो खानी है। मैंने बोला कि गरम गरम देती हूँ, तो दही लेना तुसी? दही लूंगी। तो मेरी गर्मा गर्म रोटी बन रही है, सब्जी वगैरह थोड़ी सी लेनी है, थोड़ा दही लेंगे, और जब स्वाद लगेंगी तो और मान के खाएंगी मम्मी जी। चलो मम्मी बैठो, तो ही मैं दिनी मैं दही लेके आई। तो जी इसी तरह मेरा जो है दोपहर का टाइम बीत रहा है, तो मैं मम्मी जी को देने जा रही हूँ खाना, तो आप भी खा लीजिए, हम भी खाएंगे, आप भी खाओ हमारे साथ मेथी की सब्जी। और मेथी की सब्जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने खा के देख लिया है और बहुत टेस्टी है। और घर का खाना, डेली बोलती हूँ घर का खाना घर का ही होता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो मुझे बाहर का खाना पसंद है, और पर बहुत कम मौका मिलता है मुझे बाहर जाने का, मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती, तो इंजॉय करते हैं यही हम मेथी की सब्जी रोटी। अभी मैंने रोटी बनानी है, ये मम्मी को दे रही हूँ, तो चलिए देती हूँ रोटी, फिर खाते हैं बैठ के साथ, आपके साथ बैठ के खाऊंगी, बताऊंगी और कैसी बनी। चलिए मम्मी को रोटी देती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए जो है खाना लगा लिया है, मैंने रोटी ले ली है फुलका, हम गेहूं की रोटी को फुलका बोलते हैं, फुलका ले लिया है, एक हरी मिर्च टेस्ट के लिए, हरी मिर्च खानी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी मैंने लस्सी बना ली है दही की, और ये मेरी सब्जी है। और सब्जी मैंने बोला था ना कि देखने में ज़्यादा लगती हैं जो
पत्तियाँ मगर वो कम जाती हैं। तो आप भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी मेथी की सब्ज़ी और अपने घर में ट्राई करना, और मुझे वापस कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।